इस बार न्यूज़पेपर में नहीं कटिंग है, इस बार बहुत एक्सिस अमाउंट में ग्लोबल वार्मिंग एकदम हो गया है। सो इस बार गर्मी में तो अच्छा अच्छा रो देगा, ठंडा तो नहीं ही पड़ेगा इस बार। हम तो पहले से ही एसी एकदम परचेज कर लिए हैं। अभी तो अच्छा डिस्काउंट मिल गया होगा। क्या बोली रोशन की मम्मी, किस बात का डिस्काउंट? हां अभी खरीदे, आज या कल तो परचेज करना ही था ना, तो अभी ले लिए। गजब बात करते नहीं रोशन की मम्मी, कहा है बीच बीच में हरदम टोने छोड़ते रहेंगे। देखा आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। आप न्यू बॉर्न बच्चा को लेकर के आ गई हैं यहाँ पर ठंडी में एकदम, जाइए टोपी मफलर बिना स्वेटर के ना, गजब करती है, इतना भी फिरंगी नहीं बनी है रेखा। हम लोग भी बच्चा पाले हैं, बताइए तो। बाप रे बाप, लो कहे कि आमलेट लेते आइएगा। हाँ सीधे घर आइए, जल्दी आइए। हाँ क्या कहें जी, एक मेरा बच्चा सब अभी बताइए तो, गोभी और मटर का सीजन है, मेरा बच्चा सब हाथे नहीं लगाएगा उसको, नहीं वो लोग को है शुरू से एकदम चटक पटक, खाने में नो कंपरमिशन, कहेगा डेली नया नया वेराइटी ला। बताइए आप लोग का बच्चा सब खुशी खुशी खा लेते हैं। पिंकी आमला का मुरब्बा बनाए हैं, लेकर क्या है सब लोग टेस्ट कीजिएगा। गाजर का हलवा ही बनाए, ठंडी पड़े ना पड़े, जो सब चीज ठंडी में खाया जाता वो सब तो बनाएंगे ही। हाँ ये सब चीज ठंडी का है, नहीं बनाए आप लोग? हाँ हालांकि गाजर अभी थोड़ा महंगा भी चल रहा। हमारे ये तो 5 केजी। क्या हुआ अर्चना, कपड़ा लेने आई है? जा नहीं सूखा, लगे हाथ अब कही आपने इनको, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद लीजिए। हमारे पास आज से है, कई साल से है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। उस समय पर उस जमाना में 20,000 एकदम टनाटन चलता है, तो उसी में सुखी हो जाए, ठंडी में नो टेंशन। नहीं तो बच्चा सबको तो हम एकदम मॉर्निंग में 5 बजे उठा देते हैं, अकते एकदम रजाई के अंदर घुसो, गरम गरम कॉफी बना करके देते हैं, अकते एकदम चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से पढ़ो, नहीं समझती है? भोर में एकदम जोर से पढ़ेगा ना, सुबह सुबह का याद किया बहुत रहता है, हमारे बाबूजी कहते थे उस जमाने में, तुम लोग शांति से खेलो, उधर तो गेंद लग रहा है, इधर तो ना, ये बच्चा सब बहुत एकदम बदमाश है। नहीं आप लोग भी उठाइए। रूहानी तुम्हारी जबान ज्यादा चलती है क्या? तुम सबके पास जाके क्या भौंकी हो? हाँ कि स्मृति आनंद इसलिए कैप पहन के आई है क्योंकि उसके बाल में जू था और उसकी मम्मी ने टकली करा दिया। How dare you? तो उतार देना कैप। नहीं उतारूंगी क्योंकि मुझे ठंड लगती है। डफर। साक्षी बहन अर्पित मफलर लगा क्या? इतना डैशिंग लग रहा है ना वो, और मेरे से तो आई कॉन्टेक्ट कूल लग रहा है। ew, तेरी स्किन कितनी ड्राई हो गई है, तो कोल्ड क्रीम नहीं लगाती क्या? छी नहीं यार, मेरी मम्मा तो डेली कोल्ड क्रीम लगा के स्कूल भेजती है। लगाया कर बहन, कैसी स्किन हो गई है। मैं नहीं बैठूंगी उसके साथ, मैं मैम को बोलूंगी मेरी सीट चेंज करे। वही तो मुझे गर्म पानी है बहन। कोई नहीं मैं पी लूंगी, झूठा है, चलेगा मुझे ले। बट प्लीज किसी को देना मत, हाँ और खत्म मत करना, मुझे भी चाहिए होता है। इतने शौक है गर्म पानी पीने का, तो अपना पानी लेके आए ना, मैं गर्म पानी लाती हूँ, सब मांगने लगते हैं, मैं नहीं दूंगी अगली बार से। पी के इधर दे देना प्लीज। एनी डाउट क्लास? यस मैम। ओह माय गॉड, यू आर हैविंग डाउट? आई एम सरप्राइज्ड। आस्क मैम, विंटर वेकेशन कब से है? यार ये लोग इतना सारा वेकेशन में असाइनमेंट दे देते हैं, फिर देते ही क्यों, वेकेशन ही मत दो, पूरा टाइम तो हमारा असाइनमेंट करने में ही जाएगा बहन। अबे पागल इतना मत सोच, 15 दिन का ही नहीं होगा वेकेशन, अभी डीएम को पता चलने देना, ठंड बढ़ती है हर बार, याद नहीं है तुझे? हाँ हर बार एक्सटेंड होता है छुट्टी, इस बार भी डीएम देखना एक्सटेंड करेंगे, चिल कर। ये साल भी बीत गया और मैंने क्या उखाड़ा? कुछ भी नहीं। टाइम इतनी जल्दी कैसे बीत जाता है यार, अभी तो हैप्पी न्यू ईयर बोला था सबको, फिर नया साल आ गया। बाप रे, मैं भी बढ़ते सालों के साथ साथ बुढ़ी होती जा रही हूँ।
सीधे अगले साल आएगा बर्थडे मेरा। बर्थडे साल में एक ही बार क्यों आता है? इस बार न्यू ईयर पर पक्का कुछ अच्छा रिजोल्यूशन लूंगी और उसको पूरा भी करूंगी। क्या रिजोल्यूशन लूं? सर्च कर लेती हूँ। टफेस्ट रिजोल्यूशन। तो मेरी शादी की भी उम्र हो गई है, शादी कर लूंगी, फिर बच्चे भी हो जाएंगे, फिर मैं बुढ़ी भी हो जाऊंगी, फिर मैं मर भी जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत कम समय है यार, कुछ तो बवाल करके ही मरूंगी ताकि मुझे सब याद रखे। पर क्या? अरे बाप रे, 3 बज गए, मैं सो जाती हूँ, सुबह उठ के इस पे अच्छे से सब सोचूंगी। भगवान, ये साल तो गया ही, मेरा बच्चा सब निकाल दिया फफड़ दलाली करने में। आने वाले साल में थोड़ा सद्बुद्धि प्रदान कीजिए इन लोग को कि पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई में मन लगे। मम्मी, हम क्रिसमस मना के आते हैं। तुमको थोड़ा सा भी लाज नहीं है बउआ, थोड़ा सा भी नहीं। अभी अभी हम इतना बोले हैं और तब इसको क्रिसमस मनाने के लिए जाना है। जा जा जा, ए कम से कम क्रिसमस भगवान के सामने कल जोड़ करके कह लेना कि भगवान हमको विद्या बुद्धि दीजिए, प्रदान कीजिए। कभी अगर आप लोगों को 5 मिनट का आप लोग अपने बिजी लाइफ में से समय निकाल पाए तो जरा कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइएगा, अगर समय मिले तब। बउआ, कॉपी कलम लेकर के, और करना सिर्फ यह है कि आपको उस पर लिखना है कि आप दोनों भाई बहन पूरे साल क्या किए। जवाब खैर हमको पता है। क्या मम्मी? क्या जवाब आएगा? कुछ नहीं। खैर, शायद तब आप लोग को थोड़ा सा उम्मीद हमको कम है, थोड़ा सा आत्मग्लानी हो जाए। रे बिलज्जा, अभी भी तो फोन छोड़ दो रे, अभी भी तो फोन छोड़ दो नलायक। चलो अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम इस आने वाले साल में एकदम दोनों भाई बहन प्रण ले लो कैसे क्या करना है, तब देखो कैसे होता है एकदम लाइफ तुम लोग का। अच्छा, एक काम करो, दोनों भाई बहन बैठो, एकदम रूटीन बना लो। इतना बजे भाई हमको उठना है, इतना बजे स्कूल जाना है, इतना बजे ट्यूशन, इतना बजे घर का पढ़ाई, खाना पीना सोना, सब टाइम वाइज लिखो। मंडे ट्यूसडे संडे के लिए ज्यादा समय ले लो खेलने के लिए। हाँ, टीवी देखने का अलग से डेली टाइम बनाओ, आधा घंटा, तब देखो शायद उम्मीद हमको कम है नालायक से, तब लाइक बन जाओ दोनों। छत्तर पापा वो डिक्शनरी खरीद करके लाए, कभी तुम लोग उसका यूज किया? कभी नहीं। डेली अगर दोनों भाई बहन डेली 5-5 खाली वर्ड मीनिंग याद करेगा, सोच रहा है कितना हो जाएगा एक साल के बाद, कितना ज्ञान हो जाएगा डेली 5-5 से। कहावत सुने हो ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कुछ नहीं करना है, खाली डेली 5 वर्ड मीनिंग याद करना है, मम्मी चाहे पापा को आकर के सुना देना है। तब ना होगा, अपना भी दिमाग लगाओगे ना जी तुम दोनों, कि खाली हम ही बताएंगे। दोनों भाई बहन को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, दोनों आपस में इंग्लिश में बात करो। तुम लोग को कोई दिक्कत है? किसी तीसरा को खोजना है? दोनों आपस में इंग्लिश में बात करो।